हे गाइज, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूँ रुधीर। कैसे हैं आप लोग? गाइज, आज हम लोग देखने वाले हैं एटीट्यूड इज ब्लाइंड चैनल से वेट फॉर एंड न्यू मीम्स 2023 एपिसोड 19। स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टू चेक इट आउट। हे भगवान, जल्दी वहां से हटो, तेरा माइक के जगह पर हट भाई। जो ये भैया भाई खेत की नाक मार रखी, उसके बीच में सड़क का फेर सगा रखा। अरे डॉक्टर साहब, अरे बहन की लवड़ी, डॉक्टर साहब की चोट, इधर बैठ। काउंटर है मेरा। हाँ बता, क्या बात हो गई? अजी डॉक्टर साहब, मैं बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रही। क्या हुआ? अरे मारा पति है। हाँ। मारा लोग तक एक लंबा। अच्छा जी। और वो जब भी करे मेरे कलेजे में ठक ठक लगे जाता है। ओहो, तो फिर तू यहाँ क्या कर रही? अपने पति को भेज, उसका काट के छोटा कर दूंगा। जी उसका तो बड़ा ही रहे हम लोग, इसी तरीके से कलेजा भी ऊपर को हो सके क्या? अरे बहन की, भागी नहीं यहाँ से। भाई जी, सारमपुर सारमपुर सारमपुर, आओ सारमपुर वाले, सारमपुर वाले। हाँ भाई साहब, सारमपुर जाना आ गया? हाँ जाना तो सारनपुर ही है भाई, मगर तेरे पास कोई साधन भी है या तेरे लवड़े में बैठ के जाना पड़ेगा? अरे नहीं भाई साहब, इसमें तो गुजाट हो रही है, पीछे घड़ी बसाओ। बापू। हाँ बेटे। अरे मैं कितने एक साल का हो गया? अरे बेटे 27 साल का हो गया। अरे तो बहन की लवड़ी, शादी वादी कर दो या सारी जिंदगी मोटी मारता रहूंगा। अरे बेटे बड़ा तो हो जा पहले। अरे बड़ा और कितना बड़ा हूँ, बड़ा करके बेचोगे बहन का लवड़ा मुझे? बाप से ऐसे गाली देकर कौन बात करता है भाई? यार गर्मी के ऊपर शेर सुना दे, कितनी गर्मी हो रही है आज। गर्मी के ऊपर? हाँ तो फिर सुन ले, कि गली में कुत्ता रोए और अंधेरे में रोए भूत। क्या बात, कि गली में कुत्ता रोए और अंधेरे में रोए भूत, और पजामे में लंड रोए और सलवार में रोए चूत। हाय गर्मी तेरी माँ की चूत। क्या तू भी? हाय गर्मी तेरी माँ की चूत। आते हैं हमें पिलवाते हैं, और सिगरेट लाते हैं, उसे भरवाते हैं, फुफे पर लाते हैं। पैट्रियोटिक सॉन्ग है ये, मेरा वन ऑफ फेवरेट सॉन्ग है ये, देशभक्ति वाला सॉन्ग है। उसपे इसने चरस, इस चरसी ने उसमें चरस बो दिया बहन का। आवाज इसकी अच्छी है, मानी पड़े। जो तारीफ कर रहा है उसको दो डंडे मारने चाहिए। वाले झांजी बता जरा, तेरे पास इतना सुल्ता है क्या? थोड़ा सा दे दे, थोड़ा सा दे दे, कि मैं भी मस्त हो जाऊं। मेरे पे एक भी नहीं है रुपया, जो मैं खरीद के पी लूंगा। तेरी बड़ी शकल देख पहले, तेरी कैसी हो गई है, फुक फुक के। तू अगर मुझको एक पेपर कमाल दे, मसूल पालाऊंगा, मसूल पालाऊंगा, फिर अपने गाँव में उसकी की छाँव में, के गाँव के कुएं पे, के अब्बास की दुकान। अगर आप लोगों को मौका मिला लड़का बनने का, एक दिन के लिए लड़का बनने का,
सो आप क्या करोगे एक दिन? ये लड़की हो के ये नहीं कर सकती। कान में उंगली डाल के खुजाल रहे तो मजा कान को ज्यादा आना चाहिए, उंगली को क्या मजा आ रहा है। वाह दीदी वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी वाह दीदी। को हिंदी में क्या बोलते हैं? लिपस्टिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? लिपस्टिक ही बोलते हैं। अच्छा नहीं लिपस्टिक थोड़ी बोलते होंगे। क्या बोला तूने? लिप तो इंग्लिश हो गया, बाम हिंदी हो गया। लिप को और बाम को ना लिपस्टिक को कन्वर्ट करते हैं हिंदी में। कमेंट में बताना अगर आपको किसी को पता है तो। बात तो सही है। लिप्स को होंठ कहते हैं। ठीक है समरिया। और बाम नहीं स्टिक स्टिक डंडी होंठ डंडी। क्या बक रही है पागल इधर? वो चेक करने के लिए पकड़ लिया तेरे को? अबे यार वो बस में टिकट नहीं ली थी ना इसीलिए पकड़ लिया। अबे भाई जब बस में चढ़ता है तो टिकट भी ले लेकर। अबे क्या करूंगा लेके जब फेंकनी पड़ती है। बात तो सही है। अच्छा मान ले बस में चढ़ा और चेक कर पकड़ ले फिर। ओहो इतना पागल समझ लिया तूने चेकर को? बेटा उन्हें सब पता होता है कौन माना मार रहा है कौन नहीं मार रहा। पांचवी बार बच के आ रहा हूँ। हाँ बहुत सही भैया, परिवहन के साथ ये धोखा कर रहे हैं। महंग सॉरी। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आपकी हाइट का राज क्या है? गॉड गिफ्ट। गॉड गिफ्टेड। एक्सपायरी कंप्लेन तो नहीं है? ओके मुझे ये बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो चढ़ती भी है और उतरती भी है बट उसके पैर नहीं है? सीढ़ी। दाम क्या? दाम सोने का। ये क्या है? सीढ़ी। ऐसी क्या चीज है उसके पैर नहीं है फिर भी वो चढ़ भी रही है और उतर भी रही है? परछाई। कुछ भी पागल। नहीं 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 पता। नहीं पता। शराब। हाँ ये भी है। कि माल कितने नहीं, प्रकार हम पियक्कड़ हो ऐसा नहीं है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। माल वैसे तो बहुत टाइप का होता है लेकिन अभी दो ही चल रहा है। फूकने वाला और एक बजाने वाला। बजाने वाला। हाँ नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना। अपना नाम बताओ? युक्ता। अच्छा युक्ता मुझे ये बताओ, मैं बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि चलती राह पे अगर आपको 2000 रुपए का नकली नोट मिले तो आप क्या करोगे? उठा के रख लूंगी। दो नकली नोट का क्या करेगी अब तो असली का भी क्या करेगी? क्या करूंगी? मतलब गिरी हुई सोच है। क्या बात हुई किसी को भी मिलेगा तो रखेगा यू टाइप के नकली नोट। मैडम वो 2000 का नकली नोट था। नेम क्या है? गोल्डन बॉय रिटर्न। आपकी शादी हो गई? नहीं शादी नहीं हुई। अच्छा मुझे ये बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो शादी के बाद लड़की अपने पति को कभी नहीं दे सकती? मैम आपको बुरा लग जाएगा। अच्छा फिर भी बताओ तो। बुरा तो नहीं मानोगे ना मैम? बिल्कुल नहीं। इसका आंसर है सुकून। गुड जॉब बेटे गुड जॉब यार बहुत सही। अच्छा सच्ची बताओ एक चीज, एक ये लोग जो करते हैं स्टैचू आर्ट जो है ठीक है, ये जो परफॉर्म करते हैं भाई दिन दिन भर कई कई घंटे ऐसे एक ही पोज में खड़े रहना और ऐसे ऐसे पोजेस में खड़े रहना जिसमें किसी कोई किसी भी इंसान को नॉर्मली मतलब 3 से 4 मिनट वो 5 मिनट अगर ऐसे खड़ा हो जाए तो उसके पाँव में दर्द होने लगेगा, हाथ पैर अकड़ने लगेंगे ठीक है। तो ऐसे ऐसे पोजेस में ही खड़े होते हैं धूप में बेचारे और इस टाइप से स्टैचू आर्ट करके और उसके बाद ये अपना जीविका अपनी चलाते हैं। ओ माय गॉड हैट्स ऑफ टू देम। अच्छा अभी बीच में ये मीम्स में ही पुनीत सुपरस्टार की भी वो उनका डायलॉग आया ठीक है, मीम मटेरियल जो होता है वो आया। मैंने एक वीडियो अभी हाल ही में नगीना सेट्ठी की ठीक है, रिएक्शन की उनकी। मैंने उसमें साफ तौर पे कहा था कि हाँ भाई मुझे उनके कंटेंट नहीं पसंद है ठीक है, वो जो अपने ऊपर फिनाइल डालते हैं, गोबर में मुंह मार देते हैं ठीक है, टूथपेस्ट पूरा फेस पे रगड़ लेते हैं, साबुन खा जाते हैं। मैंने सिर्फ ये कहा था उनका कंटेंट नहीं पसंद है, मैंने ये नहीं कहा था कि हाँ मुझे पुनीत से कोई दिक्कत है या पुनीत को मैं नफरत करती हूँ, नहीं मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। फिर भी लोग पता नहीं क्यों भाई इतने सीरियसली, तुम इतने अंधे भक्त हो हैं,
इतने ज्यादा अंधभक्त हो। अच्छा ये तुम्हारा जो ऑब्सेशन है ये ऑब्सेशन आदि पुरुष को बैन कराने के लिए तो नहीं दिखा मुझे हैं? वो तो 450 करोड़ 500 करोड़ अभी अपना जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ना उसका वहां तक पहुंचने वाली वो उसको तो तुम नहीं बैन करा पाए हैं? उसको ना तुम बैन करा पाए ना लोगों को वहां जाने से रोक पाए ना इस मूवी को कमाने से रोक पाए। ये जो ऑब्सेशन तुम्हारा लॉजिकल चीज पे लगना चाहिए था वहां नहीं दिखा। तुमने जियो की रेटिंग गिरा दी, चलो वो तुम्हारी मर्जी है ठीक है, जियो की रेटिंग गिर गई, हम बिग बॉस ओटीटी पे नहीं देखेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ठीक है वो बहुत अच्छी बात है ठीक है। किसी भी इंसान के साथ अगर नाइंसाफ़ी हो रही है तो उसके लिए आवाज़ उठाना बहुत सही बात है, ओके मैं मना नहीं कर रही, लेकिन ये ऑब्सेशन जो है ये एकजुटता जो है ये आपकी आदि पुरुष के टाइम पर नहीं दिखी। मतलब उसने तो हमारी धार्मिक कल्चर को ही पूरा इंसल्ट कर दिया, उसके लिए नहीं दिखी। एक एक इंसान के लिए आपका इतना मतलब प्यार उमड़ आया, लेकिन अपने धर्म के लिए, अपने ग्रंथ के लिए, अपने कल्चर के लिए आपका प्यार नहीं उमड़ा। ओके सोचने वाली बात है। चलो भैया बहुत बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि भाई इसको बैन करो, मतलब मुझे ठीक है, इसको बैन करो, इसको अनसब्सक्राइब करो, ये लड़की पुनीत के लिए ऐसा बोल रही है, जबकि मैंने पुनीत के लिए कुछ कहा ही नहीं उस वीडियो में, मैंने सिर्फ ये कहा था कि हाँ मुझे उसका कंटेंट नहीं पसंद है ठीक है। वो उनके मैं उनकी हेल्थ के लिए कंसर्न थी, पुनीत की हेल्थ के लिए कंसर्न थी, उनसे इन्फ्लुएंस होने वाले लोगों के लिए कंसर्न थी। मतलब तुम सही बात को भी गलत बताकर फैला दोगे है ना, लेकिन जो सही बात है उसको तुम जस्टिफाई नहीं कर सकते। बहुत सही, क्या बात है, यही ऑब्सेशन रखो बेटा। और धीरे धीरे जिस तरीके से ये माइंड वॉश हो रहा है ना तुम्हारा, धीरे धीरे हर एक चीज़ में सटल तरीके से, जिस तरीके से हिंदुत्व का मजाक उड़ाया जा रहा है, जिस तरीके से मतलब हर एक मूवी में धीरे धीरे करके तुम्हारा ब्रेन वॉश किया जा रहा है ना, ये चलता रहेगा ठीक है। अच्छी चीज़ों पर ध्यान मत देना, लॉजिकल चीज़ों पर ध्यान मत देना। तुम यही सोचोगे ना कि हाँ इसने पुनीत को आदि पुरुष से क्यों जोड़ दिया, मैं लॉजिकल चीज़ों की बात कर रही हूँ यहाँ पे ठीक है, मैं दो सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस ऑब्सेशन की बात कर रही हूँ कि मतलब जिस चीज़ के प्रति तुम्हारा ऑब्सेशन होना चाहिए, जिस चीज़ के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी बननी चाहिए, वहाँ तो तुमने कुछ किया ही नहीं, घंटा नहीं उखाड़ा, कुछ नहीं किया। और जो जिस चीज़ से तुम्हारी ज़िंदगी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है उसके लिए मरे जा रहे हैं। बात सही, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ओके। मुझे पता है अभी भी मुझे गालियाँ पड़ेंगी, अभी भी बहुत सारे लोग मुझे आएंगे बोलने कि तुम कौन होती हो उसके बारे में ऐसा कहने वाली, वो बहुत दान पुण्य करता है ऑफकोर्स, और वो बहुत अच्छी चीज़ है, ही इज़ अ गुड मैन, ही इज़ अ रियली गुड मैन, पुनीत इज़ अ गुड मैन ओके। मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट मैं तुम्हारे बारे में बोल रही हूँ भैया, तुम्हारा ऑब्सेशन किस तरफ होना चाहिए ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।